हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 10 का साइंस में विज्ञान, जिसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं, चैप्टर 1 को स्टडी कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर 10 शायद प्रकाश का परावर्तन है, एंड फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें, जो चैप्टर अलग किया हुआ है, तो भौतिक विज्ञान सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, है कि नहीं? तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन में, इसको इंग्लिश में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं वो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग कल की क्लास में साइंस में प्रकाश के परावर्तन में हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? हम लोग प्रकाश की किरणें तक हम लोग स्टडी कर चुके थे, है कि नहीं? हम लोग प्रकाश की किरणें तक हम लोग स्टडी कर लिए थे, एंड प्रकाश पुंज के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे। लेकिन मैंने बताया था कि प्रकाश किरण पुंज जो होता है, प्रकाश किरण पुंज, वो तीन प्रकार के होते हैं। मैंने प्रकार के बारे में बताया था, वो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका डिफिनेशन मैं अच्छे से नहीं बता पाया था, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया था। तो आज हम पहले बताएंगे प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार, जो तीन प्रकार के होते हैं, तीनों का डिफिनेशन हम क्लियर करेंगे, तीनों को समझाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यार पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारदर्शी किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले, ठीक है? तो अभी तक अगले क्लास को आप लोग अटेंड नहीं किए हैं तो जाके अगले क्लास जरूर अटेंड करें। काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताया गया है, एज अ नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत कुछ पढ़ाया गया आपको, तो वो वीडियो देखना काफी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल वीडियो था। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काफी उसमें डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा था, अगली वीडियो बहुत सारा डिटेल्स मैंने चर्चा किया था, वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण के बारे में, हम लोग स्टडी कर चुके थे, और हम लोग प्रकाश किरण पुंज के बारे में स्टडी कर चुके थे। लेकिन ये जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, हम आपको प्रकार के नाम बता दिए थे। समांतर किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज होता है, और अभिसारी किरण पुंज होता है। लेकिन उसके बारे में हम लोग डिफिनेशन नहीं बताए थे, इसका डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं किए थे, सिर्फ प्रकार के बारे में बता दिए थे कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसके बाद हम लोग आएंगे पारदर्शी, परभाषी और अपारदर्शी क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहां देखिएगा, मैंने लिखा है पहला अपसारी किरण पुंज। मैंने पहले बताया प्रकाश का जो किरण पुंज होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? जो कि पहला मेरा अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा जो अभिसारी किरण पुंज होता है, ठीक है? तो अभी पहले दो किरण पुंज को देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अभिसारी तीसरे किरण पुंज को। तो मैं पहले अगले क्लास में डिस्कशन कर दिया था कि प्रकाश किरण पुंज क्या है, आखिर किरण पुंज है क्या। तो प्रकाश के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, मतलब प्रकाश के समूह को। प्रकाश क्या होता है? जैसे यहां से टॉर्च हम लोग मारते हैं, अगले क्लास में डिस्कशन किए थे, जैसे यहां से टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च का जो देता है रोशनी होता है, वो एक समूह के साथ जाता है ना, एक समूह के साथ ऐसे सीधा चलता चला जाता है ना। कोई प्रकाश तो अलग नहीं होता कि इस तरह मारेंगे तो टॉर्च उधर चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता है, एक समूह के साथ जाता है, उसी को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, क्लियर है? तो चलिए, तो सबसे पहले किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के बोले? तीन प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में, इसके पहले समझिए अपसारी किरण पुंज क्या है। मैंने लिखा है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें फैल जाती है, फैलती चली जाती है। मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग यहां से टॉर्च मारते हैं तो जो, जैसे ये टॉर्च है, जैसे छोटा सा चित्र यहां देखिएगा, मैंने यहां पे एक लाइट लिया, ठीक है? मैंने यहां पे क्या लिया बोले? एक लाइट ले लिया, जैसे कि ये बटन है, और यहां जैसे लाइट मारेगा तो ये इसका एरिया है, तो रोशनी जो होता है वो इस तरह फैलते चली जाता ना, फैलता जाता ना, रोशनी क्या होता है? फैलता जाता ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो इसमें लिखा है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, क्लियर है? तो चलिए, जैसे यहां से टॉर्च मारो तो यहां से जो लाइट निकलता है तो ये ऐसे, फिर यहां से ऐसे, 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 ऐसे क्या होता है? वो फैलती चली जाती है कि नहीं? इस तरह क्या होता है? वो फैलती चली जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते बोले? इसी को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज, क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट में चलते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज को समझिए, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरणें जो होती है वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ
समांतर होती है, एक दूसरे के क्या होते हैं समांतर होती है। जैसे जैसे प्रकाश यहां से जाती है तो प्रकाश एक ही साथ जाती है, एकदम समांतर जाती है, इस तरह समझना है, एकदम समांतर रहती है, एकदम इक्वल। जैसे मार्कर ये मेरा फिंगर, एकदम इक्वल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब ये जो समांतर किरण पुंज होते हैं वो कहां से आते हैं, तो वो बहुत दूर से आते हैं, जैसे सूरज से, सूरज में जो रोशनी होता है, जो तो प्रकाश जो होती है वो एक समांतर किरण पुंज होती है, जो बहुत दूर से एक समांतर वे में यहां तक पहुंच जाती है। समझ में आया? तो मैंने लिखा यहां पे समांतर होती है बहुत अधिक दूर से आती प्रकाश की किरणें, किरण पुंज, सॉरी, बहुत दूर से आती प्रकाश की किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इस तरह से यहां से भी, यहां से लेके यहां तक की भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, और यहां से लेके यहां तक भी डिफिनेशन लिख, दोनों डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। तो इस तरह बोल सकते हैं बहुत अधिक दूर से आती प्रकाश की किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं, या फिर इसमें ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्लियर है? तो ये मेरा हो गया अपसारी किरण पुंज, ये हुआ मेरा समांतर किरण पुंज। अब हम चलते हैं अभिसारी किरण पुंज की तरफ। वीडियो का स्किप मत करके वरना आपको समझ में नहीं आ गया। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, इसका फिगर मैं बना देता हूं। जैसे मान लो कि यहाँ मेरा ये प्रकाश जा रहा है, तो ये सीधा हुआ एक, ये जा रहा, ये भी समांतर जा रहा, एक दूसरे के क्या बना, ये एक दूसरे के क्या हो रहा है, समांतर जा रहा, तो ये मेरा हुआ समांतर किरण पुंज। इस तरह से आप फिगर देकर इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे नोट करना, तो नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं अपसारी किरण पुंज की तरफ। तो चलिए अब आइए यहाँ गौर करिएगा, लास्ट जो है मेरा वो है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, क्या बोले, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तीसरा मेरा लास्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा देखिएगा, थोड़ा इसमें गौर करिएगा, इसके बारे में जब अगले पढ़ेंगे ना, इसमें थोड़ा कंसेप्ट अगर थोड़ा क्लियर भी ना भी हुआ तो थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ ध्यान देते रहिएगा। लिखा मैंने इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब क्या होता है, मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वो मिल रहा है, मतलब एक अनुभव भी होती है, मिलती हुई भी होती, मिलती भी रहती है, और एक अनुभव के अनुसार भी कह सकते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसी तरीके से अपसारी किरण पुंज को हम कहते हैं। जैसे कि स्टार में लिखा है कि इस प्रकार के किरण पुंज में किरणों की जो बिंदु होती, बीच किरणों के बीच की दूरी, किरणों की बीच की दूरी घटती जाती है, क्या होती है वो घटती जाती है। तो मान लिया मैंने क्या एक कांच रख दिया है ना, और ये जितना ही प्रकाश आ रहा है वो एक ही बिंदु पे आके मिल रही है, तो प्रकाश का जो ये जो था इतना था वो धीरे 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 क्या हुआ, इस तरह से घट गई। तो इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है, किरणों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, घटती जाती है, घटती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे मिलती है और मिलती हुई प्रतीत भी होती है, मतलब ये क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, ये मान लीजिए एक बिंदु है पर आकर मिलती है, चलिए ये आके मिल गई, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती, इसलिए मिलती हुई प्रतीत में हम क्या किए, डॉट डॉट दर्शे, हम क्या किए, दर्शा दिए, फिर दिक्कत, या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरीके से हम लोग अभिसारी किरण पुंज को समझते हैं और डिफाइन करते हैं। क्लियर है? चलिए ये मेरा हो गया खत्म, प्रकाश किरण पुंज हो गया मेरा एंड, इसके प्रकार भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं पारदर्शी, या जितने भी जो बताया पारदर्शी और अपारदर्शी प्रकाश क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब आइए, अब हम यहाँ पे देखते हैं पारदर्शी पदार्थ, परभाषी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ क्या है इसके बारे में समझिए, ठीक है। ये मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में 2 मार्क में नहीं पूछे जाते हैं, बट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंस है और एज अ नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। कोई भी चीज नॉलेज के लिए पढ़े हमेशा यही बात करेंगे, कोई भी चीज को क्या करे, एक नॉलेज के लिए पढ़े, क्योंकि नॉलेज ही दुनिया में हर जगह काम आती है, ठीक है। तो चलिए मैंने लिखा है पहला पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ क्या है उसके बारे में समझिए। मैंने लिखा है कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर देता है, जो भी प्रकाश जो आता है तो उसे आसानी से पार कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे जैसे कांच शीशा जो होता है उसे आराम से पास कर देता है, जैसे हवा, तभी सूरज का जो रोशनी होता है तो हवा को पार करती पृथ्वी पर आती है ना, जमीन पर पड़ती है। दूसरा आगे क्या हो सकता है, आगे पानी भी हो सकता है, पानी के अंदर भी क्या होता है, प्रकाश पार कर जाती है, आसानी से पार कर जाती है। उसके बाद मैंने आदि, जैसे मैंने लिखा है
कांच है ना, कांच ही लिख दिया, सॉरी कांच, पानी, हवा आदि, ये सारा चीज जो है वो पारदर्शी पदार्थ है। इतना समझिएगा, जो प्रकाश को आसानी से पार कर दे बिना कोई रुकावट के, प्रकाश उससे होकर पार हो जाए, सीधा समझ जाएगा वो कौन सा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे तरफ। परभाषी पदार्थ क्या है? परभाषी पदार्थ को समझिएगा, मैंने लिखा है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देती है, क्या कहलाती है? परभाषी पदार्थ कहलाती है। कैसे? जैसे एक बात बताइए, मैंने किसी कागज को तेल में डुबा दिया और उस पर प्रकाश पा गया, तो कुछ ही प्रकाश बाहर आ पाएगी, नहीं तो पूरा प्रकाश क्या होता है, वो पार नहीं कर पाती। जैसे आंख बंद करेगा तो आपको कुछ थोड़ा सा उजाला आपको पता चलेगा, जैसे मेरे को भी पता चला मैं उजाला में खड़ा हूं, आप अंधेरे में जाइएगा तो पूरा आंख पूरा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अगर उजाले में आंख बंद करेगा तो आपको कुछ ना तो कुछ थोड़ा सा महसूस होगा कि यहाँ पे उजाला है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? वह परभाषी पदार्थ है कि नहीं? जैसे मैंने लिखा है घिसा हुआ कांच से भी क्या होता है, थोड़ा मोटा प्रकाश क्या होता है, पास कर देता है, जो थोड़ा सा प्रकाश पास कर दे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, उसे हम क्या करते हैं, परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगे कागज, दूसरा आंख की पलक, थोड़ा सा प्रकाश क्या करता है, वो अंदर पास करता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, परभाषी पदार्थ कहलाता है। क्लियर है? अब आगे आइए, तीसरा मैंने लिखा है कि अपारदर्शी पदार्थ। सिंपल है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ जो जिससे होकर आसानी से प्रकाश पास कर देती है, उसे हम पारदर्शी कहते हैं, और जिससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप खुद से लिखिएगा। जैसे मैं मान लीजिए क्या होगा, लकड़ी से क्या होगा, नहीं पास होगा। जैसे मान लीजिए ईंटा, जिससे प्रकाश पार न हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल जैसे में और इसका डिफिनेशन आप खुद लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों पढ़ाने के बाद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अपारदर्शी पदार्थ क्या है। जो प्रकाश को पार नहीं करने देती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, ईटा हो गया, जो भी ऐसी चीजें हैं, सारे चीज क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है? तो ये हो गया मेरा आज का क्लास, इतना ही तक था, मैंने इतना ही तक पढ़ाने का प्लानिंग किया था। तो ये हो गया मेरा आज का क्लास खत्म। इससे अगले क्लास में हम लोग आएंगे एक नया टॉपिक के साथ। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही लेने दूंगा, और इससे पिछले वाले वीडियो में नहीं देखे थे तो वो भी वीडियो जाके देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वो भी काफी बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास हुआ था, क्योंकि बहुत डिटेल से हम लोग उस क्लास को भी अटेंड किए थे, पढ़े थे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में ना मत जाइएगा, क्योंकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो वो वीडियो का आप वेट ना करें, है कि नहीं? आपको सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।